स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने आसपास मौजूद प्रोडक्ट्स में ज्यादा ध्यान नहीं देते और जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, कंपनी का नाम और लोगो ही हमें याद रहता है, लेकिन उस ब्रांड के लोगों के पीछे मौजूद हिडन फीचर्स, कलाकारी और कारीगरी से हम अनजान रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन्हीं लोगों के पीछे की हिडन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिससे आप अनजान हैं तो बने रहे। इस वीडियो के अंत तक ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस न कर सकें। नंबर 15, अमेजॉन, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है, जिसके फाउंडर जेफ बेजोस अब इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। दरअसल इनकी कंपनी का लोगो अमेजॉन दो चीजों को दर्शाता है। पहला, ये जो अमेजॉन के नीचे एरो दिया गया है वह कस्टमर के स्माइल को दर्शाता है, और साथ साथ अगर आप एरो को ध्यान से देखेंगे तो एरो ऐसे शुरू होकर जेट पर खत्म हो रहा है। इसका मतलब इनके पास ऐसे लेकर जेट तक सारा का सारा सामान मौजूद है। नंबर 14, क्या आपको पता है एडिडास के फाउंडर रुडोल्फ डेसलर और प्यूमा के फाउंडर रुडोल्फ डेसलर असल में सगे भाई हैं। दोनों मिलकर सोशल कंपनी स्टार्ट की, जिसके लोगो में टू ब्लैक स्ट्राइप्स थी, और फिर उनके अलग होने के बाद रुडोल्फ डेसलर ने प्यूमा नाम का एक ब्रांड शुरू किया और एडोब डेसलर ने एक और स्ट्राइप्स ऐड कर दिया और अपनी अलग कंपनी शुरू कर दी, जिसका नाम एडिडास रखा। हालांकि एडिडास के लोगो में लगातार बदलाव आते रहे हैं, लेकिन इसमें हमेशा तीन स्ट्राइप्स यानी कि तीन लाइन हमेशा शामिल रहता है। इस समय जो लोगो है उसमें आपको तीन स्ट्राइप से मिलता हुआ ट्रायंगल दिखाई देगा, जो कि माउंटेन को दर्शाता है, क्योंकि आज के एथलीट्स जिस जोश से मेहनत कर रहे हैं उन्हें और भी मोटिवेट करने के लिए लगाया गया है। नंबर 13, क्या आपको पता है फॉर्मूला 1, जिसे हम स्पोर्ट्स कार रेसिंग के नाम से भी जानते हैं, उसके लोगो में आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, वो ये कि फॉर्मूला 1 के लोगो में एफ और रेड स्ट्राइप के बीच में जो जगह मौजूद है वो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड कलर के स्ट्राइप होते हैं वो फॉर्मूला 1 में चलने वाले कार की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस किसी ने भी इस लोगो को बनाया है इसे काफी सोच समझ कर बनाया है। नंबर 12, हुंडई, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। अगर देखा जाए हुंडई का लोगो दिखने में काफी सिंपल सा लगता है, और आप में से कई लोगों को लगता होगा कि हुंडई का जो लोगो है वो हुंडई के एज लेटर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल किमने कंपनी के लोगो में एक क्लाइंट और होंडा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और ये सिंबल ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन के इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 11, क्या आप जानते हैं 1 जुलाई 2014 में सोनी कंपनी ने एक ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम था वायो, और इस ब्रांड का हेड ऑफिस जापान के नगानो के शहर में स्थित है। वायो का मतलब फुल वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, या लोगो देखने में जितना सिंपल है उतने हिडन फीचर्स इसमें मौजूद है। दरअसल इस लोगो के पीछे दो अक्षर एक वेव है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एनालॉग सिंबल को, आखिर के दो वर्ड रिप्रेजेंट करता है 1 और 0 को, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। नंबर 10, आप लोगों ने पिंटरेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आप लोग नहीं जानते कि पिंटरेस्ट क्या है, आप डिफरेंट टाइप के टॉपिक से लेटेस्ट फोटोज और इमेजेस जैसे कई सारे चीजों को पिन करके रख सकते हैं, जिसे फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। दरअसल इस ब्रांड में जो पिन लेटर है वो पिन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप एक्चुअल जिंदगी में पिन यूज करते हैं बोर्ड में कुछ लगाने के लिए। नंबर 9, BMW, जो कि रोल्स रॉयस कार को भी मैन्युफैक्चर करता है, कई सारे लोगों को लगता है कि जो BMW का सेंटर वाला पार्ट है वो रोटेटिंग ब्लेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि BMW शुरुआत में एयरक्राफ्ट के इंजन को मैन्युफैक्चरिंग करती थी कई कंपनियों के लिए। दरअसल BMW की शुरुआत 1922 में जर्मनी बवेरियन शहर में हुआ था, और इसलिए BMW का सेंटर वाला पार्ट बवेरियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। जहां तक बात है BMW के फुल फॉर्म की, तो वो है बवेरियन मोटर वर्क्स नंबर एट फेलिक्स, की स्थापना सन 1994 में फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ ने किया था। अगर बात करें लोगों की, तो उसे डिजाइन किया था लेंडर एसोसिएट्स ने। वैसे तो फेलिक्स का लोगो काफी सिंपल दिखाई देता है, लेकिन कहते हैं ना, जितना सिंपल लोगो उतना ही डीप माइनिंग।
दरअसल जो फेलिक्स का लोगो है उसमें एक्स को ध्यान से देखिए, उसमें आपको एरो का सिंबल बना हुआ दिखाई देगा। नहीं दिखा, एक बार फिर देख लीजिए। दरअसल ये एरो रिप्रेजेंट करता है इस पीड को। नंबर 7 यूएसए की काफी मशहूर ऑडियो इक्विपमेंट्स कंपनी बीट्स की स्थापना अमेरिका में हुआ था, जिसे 2006 में टोटल डीआई और जिमी लॉरेन ने किया था। दरअसल ये लोगो रिप्रेजेंट करता है एवसन वेयरिंग हेडफोन। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको भी हेडफोन दिखाई देगा। नंबर 6 बास्किन रॉबिंस की आइसक्रीम ट्राई तो किया ही होगा। वैसे तो यह काफी महंगी है, लेकिन साथ साथ काफी डिलीशियस भी है। अगर हम बात करें इस लोगो की तो उसमें बीआर के बीच में जो पिंक वाला एरिया है वो दरअसल नंबर 31 है, और यह नंबर उनके कंपनी में मौजूद 31 अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम को रिप्रेजेंट करता है। और कंपनी का यह मानना है कि कस्टमर्स को एक महीने तक रोज नया फ्लेवर ट्राई करने को मिले, जैसे कि बनाना नट फ्यूज, ब्लैक बॉल, नट बरगंडी, चेरी बटर स्कॉच, रिबन शर्ट, मैक्रोन चॉकलेट चिप और भी कई सारे फ्लेवर। नंबर 5 आप लोगों ने ओडी तो देखी होगी और उसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है ओडी में जो 4 सर्कल बने हुए होते हैं उसका मतलब क्या है? नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ओडी के लोगो में जो 4 सर्कल बने हुए होते हैं वो अलग अलग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ओडीडी के डब्ल्यू हॉच और ऑटोमोबाइल जैसे कंपनी शामिल है। ये कंपनी 1932 से पहले अलग अलग काम करती थी और 1932 के बाद चारों कंपनी ने मिलकर ओडी कंपनी की शुरुआत की। नंबर 4 साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी एलजी के लोगो में एल और जी 2 अल्फाबेट होते हैं जो कि किसी ह्यूमन फेस की तरह दिखते हैं। कंपनी के अनुसार ये लोगो रिप्रेजेंट करता है उनकी आशा को, जिससे यह कंपनी अपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे। जहां तक बात एलजी के फुल फॉर्म की तो वो होता है लकी गोल्ड स्टार। नंबर 3 आप लोगों ने मर्सिडीज कार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस लोगो में जो 3 लाइन दिए गए होते हैं उसका मतलब है लैंड वाटर एंड एयर, यानी कि धरती आकाश और पानी। क्योंकि गोंडली डेन जिन्होंने इस लोगो को डिजाइन किया था उनका यह मानना था इन फ्यूचर यह कंपनी लैंड वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट्स बनाएंगे और महारत हासिल करेंगे। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 टोयोटा जो कि जापानी कंपनी है, इस कंपनी की शुरुआत 28 अगस्त 1938 में किकिचिरो टोयोटा ने की थी। कई लोगों का मानना है ये सिंबल कंपनी के टी लेटर को दर्शाता है, लेकिन कंपनी का मानना है ये 3 अलग अलग पार्ट्स है जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस लोगो के हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग कर दिया जाए तो कंपनी के नाम को दर्शाता है। अगर बात करें टोयोटा के बैकग्राउंड की तो रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फ्यूचर में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को। नंबर 1 क्या आपको पता है रॉब जेनॉब जो कि अमेरिकन ग्राफिक डिजाइनर तो ये है ही, लेकिन साथ साथ ये लोगो भी डिजाइन करते हैं और उन्हीं लोगो में से एक है एप्पल। दरअसल एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया एप्पल लोगो बनाने का ख्याल कहां से आया, तो इन्होंने बताया कि इस लोगो को बनाने के लिए सारे एप्पल के कई सारे शेप्स उसके साथ ही इन्होंने अपने सामने कई सारे एप्पल रख लिए और उन्हें अलग अलग एंगल में रखते देखा कि किस तरीके का एंगल लोगो में फिट बैठता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोचते सोचते वह एक एप्पल में बाइट मार कर खाने लगे, फिर उनकी नजर उस खाए हुए एप्पल पर पड़ी। ये सब इतना अच्छा लगा उन्होंने ये शेप डिजाइन कर दिया जिसे काफी पसंद किया गया, और यहीं से शुरू हुआ एप्पल के लोगो का सफर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।